वंदे मातरम बच्चों, बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस शुरू किया था और उसके अफर्मेटिव सकारात्मक और नेगेटिव नकारात्मक ये दो टाइप के सेंटेंस हम कंप्लीट कर चुके हैं और एकदम आसानी से हम उन्हें समझ भी चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। बहुत आसान है, बस आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। बच्चों हेल्पिंग वर्ब का हमने डिस्कशन कर लिया था, शैल बी और विल बी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये आते हैं और सब्जेक्ट कैसे क्या आते हैं हम दो तीन बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। पहचान भी हमने इसकी रिपीट कर दी है कि भाई कैसे फ्यूचर की कोई घटना चल रही होगी, फ्यूचर में कोई घटना हो रही होगी, ठीक है, कंटिन्यू में हो रही होगी, तो ऐसे दर्शाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं सीधा। कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है, सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। ये आपको हर एक इंट्रोगेटिव में मैं आपको रिपीट करती हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए। तो इसमें भी सेम वैसे ही है, सब्जेक्ट के बाद जो शैल बी विल भी आ रहा था वो सब्जेक्ट के आगे आ गया, ठीक है। शैल विल प्लस सब्जेक्ट, फिर हमारा आया बी प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी और ऑब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव है तो प्रश्नार्थ सूचक चिन्ह उसके साथ आता है, ठीक है। देखते हैं क्या वह घर से आ रहा होगा। तो अब वह है वह मतलब, और होगा मतलब मेल है और थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे ही आया तो ही के साथ यहाँ पे क्या आएगा, विल। विल ही बी, विल ही बी, अब हमारी मेन वर्ब क्या है, आना, ठीक है, तो कम, कम के साथ लग जाएगा आई एन जी, हो जाएगा कमिंग। विल ही बी कमिंग फ्रॉम द होम, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ये हमारी मेन वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म, ये हमारा सब्जेक्ट और ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। विल ही बी कमिंग फ्रॉम द होम, ओके। नेक्स्ट क्या वह लिख रहा होगा, ओके, अगेन यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है तो यहाँ पे आएगा विल। विल ही बी, ओके, मेन वर्ब क्या है हमारी, लिखना, तो राइट, राइट के साथ आई एन जी लग गया, हो जाएगा राइटिंग, क्वेश्चन मार्क। विल ही बी राइटिंग, ठीक है। थर्ड है क्या वह दिया हुआ कार्य कर रहा होगा, वह अगेन ही है तो यहाँ पे आएगा विल। विल ही बी, अब देखिए, ओके, विल ही बी, अब मेन वर्ब क्या है हमारी, करना, ठीक है, कार्य को करना, करना मतलब डू, तो डू के साथ आई एन जी लग गया, हो गया हमारा डूइंग। विल ही बी डूइंग, अब क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, दिया हुआ कार्य, तो क्या आएगा, विल ही बी डूइंग द गिवन टास्क, क्या वह दिया हुआ कार्य कर रहा होगा, विल ही बी डूइंग द गिवन टास्क, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, यहाँ पे हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर, ओके, समझ में आ गया आपको। बस आपकी हेल्पिंग वर्ब वाक्य की शुरुआत में आ जाती है सब्जेक्ट के आगे और आपके अफर्मेटिव से ये बन जाते हैं इंट्रोगेटिव, क्लियर। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या फर्क है, आपको हमेशा से पता है कि भाई बस क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली आगे जुड़ जाती है, बाकी देखिए सेम स्ट्रक्चर है, शैल विल, सब्जेक्ट, बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आई एन जी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, कोई चेंजेस नहीं, बस डब्ल्यू एच फैमिली आगे आ जाती है। अब इसे समझाने के लिए मैंने सेम टू सेम वाक्य लिए है, उसमें थोड़ा चेंजेस कर दिया है, बस थोड़े से चेंजेस, मतलब जो हमारे प्रश्नार्थ सूचक शब्द होते हैं ना डब्ल्यू एच फैमिली के, उनको जोड़ देने से कैसे ये इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है, ये देखिए। क्या वह घर से आ रहा होगा, वह घर से क्यों आ रहा होगा, क्या का मैंने क्या कर दिया, क्यों, तो क्यों के लिए क्या आती इंग्लिश, वाई, ठीक है। अब देखिए हमारा सेम सेंटेंस आएगा, वाई विल ही बी कमिंग फ्रॉम द होम, आप देख सकते हैं ऊपर के वाक्य में उसमें कोई चेंजेस है क्या, वाई विल ही बी कमिंग फ्रॉम द होम, क्यों, क्योंकि डबल एच फैमिली हमें लगानी है आगे, तो क्योंकि इंग्लिश हुई भाई, फिर हमारा वह है और होगा, वह मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब लड़का, ठीक है, मेल,
तो उसके लिए ही आया, तो ही है इसके, तो उसके आगे हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, ठीक है। तो वाई विल ही बी, अब आना हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब आना, आने के लिए कम, कम के साथ आई एन जी लग गया, कमिंग कहाँ से, तो घर से, ऑब्जेक्ट है हमारा फ्रॉम द होम, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड, ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, क्लियर है। अब देखिए आगे का, वह क्या लिख रहा होगा, क्या वह लिख रहा होगा, तो उसी को उल्टा कर दिया, वह क्या लिख रहा होगा, तो क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, व्हाट विल ही बी, लिखना, लिखना मतलब राइट, राइट को आई एन जी लगा दिया, हो गया राइटिंग। देखिए विल ही बी राइटिंग, व्हाट विल ही बी राइटिंग, ठीक है। व्हाट की क्या की इंग्लिश, व्हाट ही है इसलिए आया विल, वह सब्जेक्ट हमारा ही, बी लिखना हमारा मेन वर्ब है, उसके साथ लगाया आई एन जी राइटिंग, ठीक है। व्हाट विल ही बी राइटिंग। अभी हमारा थर्ड, क्या वह दिया हुआ कार्य कर रहा होगा, तो उसी को हमने कैसे कर दिया, वह दिए हुए कार्य को कैसे कर रहा होगा, तो कैसे उसकी इंग्लिश क्या होती है, हाउ। अब देखिए सेम टू सेम आएगा, हाउ विल, हाउ विल ही, अब वह है ना इसलिए ही है, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके आगे विल आएगा, हाउ विल ही बी डूइंग, मेन वर्ब हमारी क्या है, करना, तो करना डू, डू के साथ आई एन जी लग गया, डूइंग, हाउ विल ही बी डूइंग द गिवन टास्क। देखिए विल ही बी डूइंग द गिवन टास्क, हाउ विल ही बी डूइंग द गिवन टास्क, वो दिए हुए कार्य को कैसे कर रहा होगा, कैसे जुड़ दिया, हो गया हाउ, क्या यहाँ से लेके यहाँ लगा दिया, हो गया व्हाट, क्या का कर दिया, क्यों लग गया व्हाई, मतलब बस थोड़े से चेंजेस के साथ आपका इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सेम टू सेम सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव से डबल इंट्रोगेटिव में कैसे बन जाते हैं, क्लियर है। एक्सरसाइज के कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। पहला लिया है खाली जगह ही बी, खाली जगह द केक, मेन वर्ब है मेक, क्या वो केक बना रहा होगा। सेकेंड है हाँ खाली जगह आई बी, खाली जगह ऑन द स्टेज, मेन वर्ब है डांस, क्या मैं स्टेज पे नाच रही होंगी। तीसरा खाली जगह शी बी, खाली जगह अ लेटर टू हर मदर, मेन वर्ब है राइट, लिखना, क्या वो अपनी मदर को लेटर लिख रही होगी। चौथा है वाई, खाली जगह ही बी, खाली जगह देयर, मेन वर्ब है गो, जाना, वह वहाँ क्यों गया होगा। फिर पाँचवा है होम, खाली जगह दे बी, खाली जगह द प्रोजेक्ट, मेन वर्ब है गिव, देना, उन्होंने वो प्रोजेक्ट किसको दिया होगा, ठीक है। बहुत आसान है, इस तरह से इनको करिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगले लेक्चर में हम आगे का टेंस शुरू करेंगे, तब तक इतना आप कंप्लीट करिए, अच्छे से तैयारी करिए। वंदे मातरम।